हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। और इसके पहले भी एक सेट जा चुका है करेंट अफेयर्स का, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और इसी तरह से ये दो तीन और इस तरह के 50-50 क्वेश्चन के सेट आएंगे जिसमें बिहार के करेंट अफेयर्स को कवर करवाने की कोशिश की जाएगी। बिहार के कौन से संस्थान ने के विद्यार्थियों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा कबाड़ से रेसिंग कार बना दिया गया है? कबाड़ मतलब कूड़ा करकट, उसे रेसिंग कार बना दिया गया है। और यह रेसिंग कार ऐसा बनाया गया है कि ग्रेटर नोएडा जो है वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट पर वो दौड़ेगी भी। तो इसका ये इंस्टीट्यूशन का नाम है पटना, आईटीआई पटना। किस ऐप की मदद से डोर टू डोर कचरा उठाने, हर घर घर कचरा उठाने जाती है गाड़ी, वहाँ पे यूजर चार्ज देना पड़ता है और प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान अब लोग पेटीएम से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को लखनऊ में राष्ट्रवादी मनीषी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा लालजी टंडन। लालजी टंडन साहब हैं बिहार में कहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी? एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना, आसान फैक्ट है ये। जनसंख्या दिवस के अवसर पर, ये याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। पॉपुलेशन जो जनसंख्या दिवस है उसके अवसर पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, परिवार नियोजन के लिए की जानकारी देने के लिए कितने जिलों में सारथी जागरूकता रथ को रवाना किया गया है? आंसर है 37। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग के लिए जानकारी देने के लिए 37 जिलों में सारथी जागरूकता रथ भेजा गया है। पहली बार वर्ल्ड युवा कौशल महोत्सव, विश्व युवा कौशल महोत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ किया जा रहा है? पटना में। उसके बाद विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल होता है ना 11 से 12 का, तो प्रश्नोत्तर काल में एक घंटे के अंदर कितने सवाल देकर रिकॉर्ड बना दिया? ये एक रिकॉर्ड है, अभी तक किसी विधानसभा ने ऐसा नहीं किया है। तो इसका आंसर है 52 सवाल देकर रिकॉर्ड बना दिया है। बिहार में कितने जनधन योजना के अकाउंट, बहुत सारे फर्जी अकाउंट भी खोले गए थे जिसको बंद किया गया है? आंसर है 63 लाख फर्जी अकाउंट बंद कर दिया गया है। बिहार में महिला कबड्डी टूर्नामेंट में बिहार की टीम की कप्तानी किसको सौंपी गई है? तो इनका नाम है रेमी कुमारी को ऐसा कप्तानी सौंपा गया है। उसके बाद रूस के कजान में होने वाले वर्ल्ड स्कूल प्रतियोगिता, ये क्या लिखा, स्कूल नहीं, स्किल 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 वर्ल्ड स्किल जो प्रतियोगिता होगी उसमें बिहार की कौन सी महिला भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? इनका नाम है मेघा देवगन, ठीक है। और ये जो मेघा देवगन है, पटना के निफ्ट इंस्टीट्यूट खुला है अभी मीठापुर बस स्टैंड के पास, उस निफ्ट की छात्रा हैं। और बिहार से इनके साथ साथ तीन और लोगों को भी लिया गया है। बिहार के किस व्यक्ति के नाम पर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? संगीती विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, बिस्मिल्ला खान, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार में पानी के महत्व को समझाने के लिए कौन सी अभियान चलाई जाएगी? पानी का मिसयूज ना हो, पानी कितनी कीमती है, इस बताने के लिए जल साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। बिहार डाक विभाग के द्वारा कितने डाकघर को विरासत डाकघर के रूप में घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा 3। ये 3 कौन कौन है? तो पटना का जो जीपीओ है वो, भागलपुर का जो जिला मुख्यालय है वो, और दरभंगा के पीटीसी के अंदर जो पोस्ट ऑफिस है, इन तीनों को विरासत भवन के रूप में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री कोसी मलवड़ी योजना के अंतर्गत मलवड़ी जो रेशम है उसके उत्पादन के लिए कोसी बेल्ट, कोसी अंचल के कितने जिलों को चुना गया है? आंसर है 7। कोसी बेल्ट के 7 जिलों को चुना गया है जिसके अंदर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया इसके अंदर शामिल हैं। बिहार में पहली बार किस जिले के तत्कालीन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के खिलाफ पहली बार ऐसा हुआ है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अकॉर्डिंग उन पे मामला दर्ज किया गया है। आंसर है दरभंगा के जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे। बिहार में सड़क और पुल का निर्माण किया जा रहा है, बहुत वर्ल्ड लेवल पे जो एजेंसी है वो भी सहायता कर रही है अलग अलग तरीके से। तो इस तरह की कौन से बैंक की टीम अपने प्रमुख के साथ, अपने हेड के साथ बिहार आएगी?
इस तरह की योजनाओं का निरीक्षण करने के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक। अब आप बता दीजिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है और उसके अभी के हेड कौन है। हाल ही में कहाँ पर सामूहिक विवाह यानी एक ग्रुप में जो है मैरिज ऑर्गेनाइज करवाया गया और वहाँ पे 51 दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो इसका आंसर है पटना। हाल ही में अमृतसर में हुए सोटोकाई इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम है तन्मय हर्ष। बिहार के कितने यूनिवर्सिटी में वीमेन स्टडी सेंटर खोलने को मंजूरी दी गई है, वीमेन स्टडी सेंटर, तो ऐसे 7 यूनिवर्सिटी है जिसको चुना गया इसके लिए। हाल ही में बिहार के कौन से गांव जल संरक्षण के लिए देश में मिसाल बना है, तो इसका नाम है केडिया गांव, और ये जो केडिया गांव है ये जैविक गांव के रूप में भी अनाउंस हो चुका है इसका नाम। बिहार में कहां पर 32 यानी 32 साल से बंद घड़ी को फिर से चालू किया गया है, हथुआ, और ये हथुआ कहां है तो गोपालगंज में, गोपालगंज जिले में। बिहार में अपराध रोकने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा कौन सी नई पहल की गई है, क्राइम ऑडिट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुलिस महानिरीक्षक के स्तर के या बड़े बड़े ऑफिसर इसके अंदर होंगे जो क्राइम ऑडिट करेंगे कि किस तरह से क्राइम पे कंट्रोल किया जाता है, और ऑडिट करने के बाद ये प्रेस में भी बताएंगे कि क्या क्या इन्होंने किया है। उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, पहले स्थान पे कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सुपौल। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अंतिम स्थान पे कौन सा है, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। बिहार में किस संगीतज्ञ यानी कौन से संगीतज्ञ थे जो इनको उज्बेकिस्तान में व्याख्या देने के लिए आमंत्रित किया गया है, डॉक्टर यशवंत पराशर। इस तरह के इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी है बिहार के, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये अभी करंट अफेयर्स जो आएगा उसके अंदर अलग से ऐड कर दिया जाएगा, अरेंज करके पूरा। हाल ही में अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान के लिए किसको चुना गया है, जोराम, अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान के लिए जोराम, और इनके साथ कुछ और भी कुछ ऐड है इनके साथ, जो राम यालाव करके इनका नाम है। उसके बाद बिहार में पहला वाटर नॉलेज सेंटर कहाँ पे खोले जाने की मंजूरी मिली है, तो इसका आंसर है पटना में खोले जाने की मंजूरी मिली है। और बिहार में कहाँ पर राष्ट्रीय शास्त्रार्थ जो पहले प्राचीन जमाने में हुआ करता था ना, उस तरह का शास्त्रार्थ किया जाएगा, और ये कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आंसर है पटना में। और पटना में भी राज्यपाल जो लालजी टंडन उस समय थे 7 जुलाई को राजभवन के अंदर में इसका उद्घाटन उन्होंने किया था, राजभवन के अंदर में ही उद्घाटन हुआ था, अलग नहीं था। हाल ही में विद्या नामक मैगजीन स्टार्ट किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, ध्यान रखिएगा, तो ये बिहार बोर्ड के द्वारा किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 30 नंबर, बिहार में कहां पर भोजन बैंक की शुरुआत की गई है, पटना, इसका आंसर है कि भोजन बैंक की शुरुआत पटना में की गई है, और पटना में जगह जगह पर इसको लगाया जाएगा और जो भी जरूरतमंद है उन लोगों को फ्री में भोजन दिया जाएगा, ठीक है, फ्री में खाना दिया जाएगा। पटना में नए और पुराने म्यूजियम को जोड़ने के लिए कितनी लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा, तो इसका आंसर है 1400 मीटर का जो सुरंग होगा उसका निर्माण किया जाएगा। देश के 8 सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन में बिहार के भी 2 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, क्या नाम है, दानापुर और मधुबनी, दानापुर भी और मधुबनी में है, और याद होगा ये मधुबनी कभी सबसे लास्ट पोजीशन पर था गंदगी के मामले में। उसके बाद हाल ही में एक पुस्तक कथा कुंजी का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है, तो इनका नाम है शकुंतला अरुण, इसके लेखक हैं शकुंतला अरुण। बिहार में विलुप्त हुई किस नदी पर, विलुप्ति के कगार पर पहुंची कौन से नदी पर, जो भी अतिक्रमण है, अतिक्रमण के कारण ही बहुत नदी का जो बैंक है वो सिकुड़ गया है, तो उसका नाम है बिछनी नदी, जो भी अतिक्रमण उसको हटाया जाएगा, फिर से नदी को अपने पुराने रूप में लाया जाएगा। बिहार के किस जिले के व्यक्ति के द्वारा जिग जैग चिमनी बनाया गया है, जिग जैग चिमनी बनाने से पॉल्यूशन कम होगा, यानी धुआं डायरेक्ट नहीं निकल के, डायरेक्ट निकलने के बाद जो पार्टिकल्स निकलता है ना
वो ठीक एयर में नहीं जाके कहीं ना कहीं जाके फंस जाएगा चिमनी के अंदर, और इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और कोयले की भी बचत होगी। उसका है नाम पूर्वी चंपारण है, जहाँ पे ये काम कारनामा किया गया है। और इस चिमनी को बनाने वाला मोहम्मद सैरुल शाह हैं, अब वो इसको पेटेंट करवाने जा रहे हैं। 500 से अधिक इस तरह की चिमनी वो बना चुके हैं, तो मोहम्मद खैरुन शाह उनका नाम है जिन्होंने इसको बनाया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बिहार के किस महिला को इंडियन वेस्टीज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है शिल्पी अंजू मिश्रा। इनको 14 जुलाई को राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में इनको तो सम्मानित किया ही जाएगा, बिहार श्री रत्न अवार्ड भी इनको पहले मिल चुका है। और ये जो श्री शिल्पी अंजू मिश्रा हैं, ये मधुबनी पेंटिंग के लिए विख्यात हैं। भारत के किस व्यक्ति को अमेरिका में इंटरनेशनल फेलोशिप अवार्ड से नवाजा गया, तो इनका नाम है श्री साकेत कुमार। बिहार के किस महिला ने उत्तरी अमेरिका के अलास्का में माउंट डेनाली पे तिरंगा फहराया है, तो उनका नाम है अपर्णा कुमार, जिन्होंने माउंट डेनाली पे तिरंगा फहराया है। देश में पहली बार किस मंडल के, कौन सा मंडल है वो जो अपने यात्रियों के मनोरंजन के लिए ट्रेन में एंटरटेनमेंट अनलिमिट ऑन डिमांड डिवाइस लगाएगा, तो इसका नाम है दानापुर मंडल। और ये क्वेश्चन आ सकता है, दानापुर मंडल पहली बार है जो ऑन डिमांड एंटरटेनमेंट डिवाइस लगाने जा रहा है। बिहार के किस महिला को महाराष्ट्र में श्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार दिया गया, इनका नाम है अर्चना झा। बिहार के किस व्यक्ति ने रोहतांग के बालचंद्र पर्वत पर, रोहतांग में जो बालचंद्र पर्वत है उस पर जाके तिरंगा फहरा दिया है, उनका नाम है विशाल कुमार। ठीक है, विशाल कुमार। बिहार के किस विद्यार्थी का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए किया गया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए इनका नाम है सुधांशु कुमार। और ये जो सुधांशु कुमार साहब हैं, ये भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, और लगभग 2.5 लाख प्रतियोगी में 55 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें एक ये भी है। बिहार में कहाँ पर मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने पे पाबंदी लगाई गई, इट मीन्स कौन से जगह पे, तो पटना हाई कोर्ट के अंदर मोबाइल फ़ोन का यूज़ रोक दिया गया है। 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाला विश्व शांति स्तूप का 50वां स्थापना दिवस का उद्घाटन कौन करेगा, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, कुछ लोग नीतीश कुमार भी मार सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो इसीलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा, राष्ट्रपति है होगा इसका आंसर। ठीक है, बिहार में कौन से मंत्री निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए, तो रामविलास पासवान साहब निर्विरोध निर्वाचित हुए। बिहार के किस व्यक्ति को प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, मैंने अच्छे काम करने के लिए सम्मानित किया गया है, उनका नाम है डॉक्टर अनुराग शरण। बिहार के किस व्यक्ति को नेशनल रेल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, नेशनल रेल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो इनका नाम है रवि रंजन कुमार, और 7 जुलाई को मुंबई में जो रेलवे का वार्षिक समारोह होगा वहां पे इनको सम्मानित किया जाएगा। किस योजना के तहत सरकारी स्कूल में ब्लैक बोर्ड के साथ एलईडी टीवी यानी स्मार्ट कक्षा, कुल मिला के है कि स्मार्ट क्लास जो है किस योजना के तहत बिहार में चलाया जाएगा, तो उनका नाम है उन्नयन योजना के तहत चलाया जाएगा। बिहार में कहां पर मोबाइल चिकित्सालय के द्वारा जाकर लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, फ्री में इलाज किया जा रहा है मोबाइल चिकित्सालय के द्वारा, तो उसका नाम है बगहा। और ये जो बगहा जगह है, ये पश्चिमी चंपारण का एक ब्लॉक है बगहा। अक्टूबर 2018 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की है। इस कंपनी ने CSR क्षेत्रीय इमाचे अंशुमन मोहंती के साथ बगहा में विधायक और रिटायर्ड IAS राघव शरण पांडे के सुझाव पर बिहार में सबसे पहले बगहा अनुमंडल में इसको स्टार्ट किया है। दो और है, महिला चरखा समिति की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो 80वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और दूसरा, राज्य में क्लाइमेट स्मार्ट प्रोजेक्ट के लिए कितने गांवों को चुना गया है, तो इसका आंसर 100 होगा। 8 जिलों, बिहार के 8 जिले से 100 गांवों को चुना गया है। इसके तहत क्या होगा कि जो मानसून की अनिश्चितता के कारण या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके कारण खेती पे क्या क्या असर पड़ रहा है,
इसको भी देखते हुए किसानों को ट्रेंड किया जाएगा। तो ये रहे अभी के फैक्ट।